ये सोच रही है लड़का संभाल ले तो कसम से सच में मैं थक गई हूं। यही जो सेम रोड है ये जाती है कारगिल और द्रास। बहुत सी और इतने सालों में मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला था, मतलब मेरी ढेर सारी चाइल्डहुड मेमोरीज है ना रिवाइव होगी। इन लोगों के साथ एक एक फर्स्ट ड्रिंक शेयर करना, 50 रुपए के पिज्जाज लेना, स्कूटर में घूमना, चेतक में घूमते थे। और भाई जो भी लद्दाख आ रहा है नीमू क्रॉस करके, जो कि कारगिल के रास्ते में एक ये आलची मोनेस्ट्री पड़ती है, आलची मोनेस्ट्री के बाहर जस्ट ये वाली दुकान है, इधर आओ, ये सामने आंटी मिलेंगी और इनका बेटा मिलेगा, ठीक है? तो भाई जो भी आएगा प्लीज इधर आओ, डू विजिट देम। Hey everyone, I hope you guys have been doing absolutely fine and I welcome you guys back to my YouTube channel. और भाई बहुत ताज़ा हमारी गुड मॉर्निंग हुई है। हमारी एक जो दूसरी मम्मी थी उनको तो कर दिया था सी ऑफ, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। 10:15 का टाइम है और ले में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हम रहते हैं जो ले वाले लोग हैं, कोई भी पहाड़ी लोग हैं, ये रहते हैं एकदम हाई ऑल्टीट्यूड पे, बहुत ऊँचाई पे रहते हैं, जो तो उससे क्या होता है, धूप होता है ना, धूप आपको बहुत तेज़ लगती है, इस वजह से स्किन भी जो है, जो आपकी ये स्किन है काली हो जाती है, सनबर्न हो जाते हैं और आपकी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जब आप लेह लद्दाख आ रहे हो या किसी पहाड़ों पे जा रहे हो, आप हमेशा अपने साथ एक सनस्क्रीन कैरी करो और वो भी SPF 50, ठीक है? और फिलहाल बाकी की लोकेशन अभी नहीं दिखा सकता, बट ये है कि मेरे पीछे से इंडस रिवर है, वो ज़रूर जा रही है, नदी जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और आसपास देखो पहाड़ी पहाड़ है। तो सीन ऐसा है, फिलहाल हम निकले हैं, अभी तो मॉल रोड जाने का मन नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है, सो कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक हमने सुना एक मॉनेस्ट्री है और वो टिबेटन 15th century की है। एग्जैक्टली और यहाँ के जितने लोग हैं वो मतलब वो प्रिजर्व नहीं करना चाहते, वो ऐसे ही रखना चाहते हैं जैसे वो पहले बना गया था। तो वहाँ पे बोला जाता है कि उस मॉनेस्ट्री में जब आप एंटर करो तब आप बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बोल के और शोर मचा के जितनी वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस की वजह से जो वो बिल्डिंग है, जो वो मॉनेस्ट्री, वो ख़राब हो रही है और वो टूट जाएगी जल्दी से जल्दी। सो यहाँ से निकल दे जल्दी से, बाकी का रास्ता दिखाता हूँ आप मोटो व्लॉगिंग मोड में। और भाई मेरी मम्मा बहुत फन कर रही है एंड मेरे को दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो आई कॉल्ड हर अप इतनी दूर, और नहीं नहीं बच्चों को थैंक्स नहीं जी। और भाई इतनी लंबी राइड हम अब प्लान कर रहे हैं, सो कल मेरे ख्याल से हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। सो फिंगर्स क्रॉस, आई जस्ट होप कि हमारी जो राइड है बहुत अच्छी जाए। बट फिलहाल ज़्यादा बातें ना करके हम निकलते हैं सीधा रोड पे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जाने वाला हूँ एक मॉनेस्ट्री, उस मॉनेस्ट्री का नाम जो है वो है आलची मॉनेस्ट्री। बेसिकली जो आलची है वो एक गांव है, एक छोटा सा विलेज है, तो वहाँ पे जो बनाई हुई मॉनेस्ट्री है जो 15 सदी में जो बनाई गई थी वो आज भी सेम टू सेम चलती आ रही है। और ये देखो भैया ये जो रूट है कितना ज़्यादा बेहतरीन है, कितना ज़्यादा शानदार है। यही जो सेम रोड है ये जाती है कारगिल और द्रास। तो जो कल हम लोग निकलेंगे हम यहीं और इसी रोड से निकलेंगे। ये छोटा सा माइलस्टोन आ रहा है, एक बार ये भी पढ़ देता हूँ। तो ये कहता है श्रीनगर जो है 385 किलोमीटर है और सस्पोल जो है, सस्पोल एक गांव है, वो यहाँ से पड़ेगा 15 किलोमीटर। तो भाई मैं फिलहाल आ गया हूँ आलची, आलची कह लो या आलची मॉनेस्ट्री कह लो। और ये जो मॉनेस्ट्री है ये पड़ती है भाई चोस्कोर करके गाँव है, चोस्कर है या चोस्कोर है। तो ये देखो भाई कुछ ऐसा सा दिखता है गांव, ठीक है? अब यहाँ से आओगे तो ये है होटल आलची और यहीं से भाई जाता है आलची मॉनेस्ट्री का रास्ता। और एक बार और बता दूँ, जो आलची गांव है यहाँ की पॉपुलेशन भाई बहुत ज़्यादा कम है और जो हरियाली है, जो यहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं सिर्फ इसी एरिया में, जिसके आसपास वाला इलाका है वो सारा का सारा बंजर है। एक बार फिर भी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, देखो सिर्फ यहाँ जहाँ जहाँ तक गांव है सिर्फ यहीं पे पेड़ पौधे हैं भाई, बाकी की पूरी ज़मीन जो है सारी की सारी बंजर है। और जिनको बहुत पीसफुल एरियाज पसंद है, बहुत ही शांति शांति पसंद है, तो भाई आप इधर आ सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं, 2-3 रिजॉर्ट्स और होटल्स बने हुए हैं। तो ये देखो, तो भाई ये यहाँ का आई थिंक रेस्टोरेंट है, लोकल रेस्टोरेंट है जिम्स खांग रेस्टोरेंट भी है और जिम्स खांग होटल भी है, तो आप इधर आके खा सकते हो। अभी हमने खाया कुछ नहीं है बट फिलहाल एक बार यहाँ की जो भी लोकल डिश होगी ट्राई ज़रूर करेंगे। बट फिलहाल आलची मॉनेस्ट्री जाने का रास्ता कैसे,
मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, जहाँ बाहर मैंने वीडियो जहाँ से शुरू करी थी वहाँ आप अपनी बाइक्स वगैरह पार्क करते हो, और ये देखो यहाँ से रास्ता कटता है, जो यहाँ से रास्ता कटता है अब यहाँ से सीधा सीधा अंदर चलते रहते हो। और ठीक एक आ जाओ अभी ले लेंगे। और ठीक जो आलची मॉनेस्ट्री है उसके बाहर ये लोकल वेंडर्स बैठे हैं, कुछ आके भाई थोड़ा सा सामान किसी से भी लो, कुछ नहीं लोगों की मदद होगी। तो हम पहले मत्था टेकेंगे, आलची मॉनेस्ट्री देखेंगे, उसके बाद आते हैं फिर यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के जाएंगे। ये देखो इधर है, किधर है, ये तो नहीं है डाउन, थैंक यू। तो भाई जैसे छोटे छोटे वेंडर्स हैं, आप आओ उनसे कुछ ना कुछ सामान लेकर जाओ। मेरे ख्याल से इनका सोर्स ऑफ इनकम और कुछ भी नहीं रहूँगा क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा छोटी है। तो भाई जैसे आप नीचे आते हो, ये सारी की सारी दुकानें क्रॉस करते हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये लिखा हुआ है परिक्रमा का स्थान। परिक्रमा होती है जो आप एक चक्कर काटते हो, हम सरदारों में जैसे होता है परिक्रमा जो काटी जाती है, निशान जो निशान साहब होता है, निशान साहब के आसपास काटी जाती है, और जहाँ सरोवर होता है सरोवर की भी परिक्रमा काटते हैं। मंदिर में भी कुछ मंदिरों में होता है सिर्फ आप मंदिर की परिक्रमा काटते हो, यहाँ मेरे को नहीं पता, बट फिलहाल यहाँ का जो रास्ता है वो बंद है अभी। तो परिक्रमा का स्थान और परिक्रमा को हम कहते हैं वे फॉर सर्क्यूम्बुलेशन। तो सर्क्यूम्बुलेशन मतलब आप पूरा एक सर्कल काट के आप वहीं मॉनेस्ट्री पहुंचते हो। तो भाई मेरे पीछे ये जो लिखे होते हैं इनमें बेसिकली मंत्र लिखा होता है, और इसका इसकी मान्यता ये है कि आप एक बार घुमाओ तो जो इसमें मंत्र है वो, इसमें हज़ार मंत्र होते हैं तो वो हज़ार बार घूमेगा, तो मतलब बेसिकली एक बार करने पे हज़ार बार उसकी वैल्यू होगी। जैसे ही कोई भी आप बड़ी सी माला उठाओ तो हर माला में 108 मोती होते हैं, तो वैसे ही ये मॉनेस्ट्री के बाहर जो मोती होते हैं वो होते हैं 108। तो 108 बार आप रोटेट इनको करते हो, इनको घुमाते हो बेसिकली। ये देखो तो भाई जिसको नहीं पता ये जो आलची मॉनेस्ट्री है, तो सबसे पहले अभी तो मूल मंत्र ऐसे लिखे जाते हैं, जो सबसे पहले जब मंत्र नहीं लिखे जाते थे तो ये देखो, ये देखो भाई ये कैसे बनाया जाता था मेरे को नहीं पता इसके अंदर। ये देखो ये पेपर है ना मेरे ख्याल से, ये तो मेरे को जितना लग रहा है कि पेपर में मंत्र लिख के इसके अंदर डाले गए हैं, ये देखो, और फिर इसके बाद इसको ऐसे घुमाया जाता था। ये देखो ये सारे पेपर है अंदर। तो गाइस जब आप आलची मॉनेस्ट्री आते हो, आपको मेरे पीछे ये जगह दिखती है। सो बेसिकली यहाँ पे लॉकर सिस्टम होता है, एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप एंटर करते हो और ये सारा लॉकर सिस्टम है। सो आप जब अंदर जाते हो, आप लॉकर्स में आपको अपने हेलमेट्स, कैमराज, मोबाइल फ़ोन्स सब कुछ रखना होता है, और मेरे पीछे जो काउंटर है यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है 100 रुपीज़ पर पर्सन, 100 रुपये पर बंदा। और आप अंदर जाते हो तो आप एक्सपीरियंस करते हो एक अलग ही दुनिया, क्योंकि ये जो मॉनेस्ट्री है तो बेसिकली ये बना था 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी, 11th AD।
तो आप समझ सकते हो मेरे को पहले ये ध्यान था कि 15th सेंचुरी में बना हुआ, बट ऐसा नहीं था। 11वीं सदी से इसका जो इसकी बनावट है वो स्टार्ट हो गई थी। और मतलब मेरे को ये कभी नहीं पता था कि जो टिबेटन और एक ये जो बुद्धिस्ट कल्चर है, मतलब इट इज़ सो रिच, और बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो जिनको टिबेटन लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो उसमें आपका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया हुआ है काफ़ी जगह, सो आप उधर आ सकते हो। और यहाँ देखो, यहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा के लिए गए थे और पूरा घूमते घूमते हम आए इधर से। सो आप यहाँ से जाते हो और यहाँ से आते हो। भाई मैं, बहुत लोगों को पता है दैट आई बिलोंग टू मसूरी, और मसूरी से लद्दाख, और लद्दाख के भी एक किनारे पे आके कोई मोनेस्ट्री, किसी ने हमें सजेस्ट की थी कि आप आलची मोनेस्ट्री होकर आओ। तो मोनेस्ट्री आए और एक बंदा था यहाँ पे जिनकी मैं आपको ये दुकान दिखा रहा था। तो द टाइम मैंने टेलिंग यू कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल वेंडर्स होते हैं, आपको इनसे सामान लेना चाहिए, अपना लोकल कल्चर जो है प्रमोट करो। तो भाई मेरे को एक बंदे, दो बंदे मिले, एक ये बंदा और दूसरा वाला पता नहीं दूसरा कहाँ पर है। हाँ तो भाई ये है नामगिल, और हम लोग ऐसी बाई चांस बात हो रही थी, तो भाई ने बोला कि मैं देहरादून से, मैंने बोला मैं भी मसूरी से हूँ। फिर पता चला कि भाई ये इधर आए हुए हैं, ये इनके यहाँ पे समर सीज़न का बिजनेस होता है। और हम लोग बचपन में ट्यूशन सारी साथ जाया करते थे, एक अकाउंट्स की एक मैथ्स की। तो आई यूज टू स्टडी इन हैम्पटन कोर्ट, और ये लोग थे मसूरी पब्लिक स्कूल में। भाई बहुत अच्छा लगा, मतलब किसी ने सोचा नहीं था इतने हज़ारों किलोमीटर दूर कोई कैसे मिलेगा, वो भी ऐसे छोटे विलेज में। तो और बहुत बाय चांस हमारा कोई प्लान नहीं था। तो मैं बेसिकली रुका हुआ था नीमू में, और नीमू में बेसिकली आर्मी कैंप था, और वहाँ से हमें किसी ने सजेस्ट कर दिया कि आप यहाँ पे आओ, आलची मॉनेस्ट्री और देख कर आओ। चलते हाँ, 11th सेंचुरी की बनी है। तो भाई मतलब बहुत अच्छा लगा, इतने सालों के बाद मैं तो मसूरी नहीं गया, ये नहीं सोचा था लद्दाख के किनारे में मिलेंगे। बहुत सही है। तो अभी वही बैठ के हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तो अपने टीचर्स के बारे में बात, कैसे स्कूटर चलाते थे, कैसे 50-50 रुपए सारे लड़कों से लेके पिज़्ज़ास मंगवाया करते थे। भाई सही दिन थे, मज़ा आ गया। तो बस यहाँ से थोड़ा सा सामान लेते हैं, फिर निकलते हैं, और मेरे ख्याल से भी लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद वापस जाएंगे टूवर्ड्स मॉल रोड, क्योंकि मम्मा ने यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो नहीं देखी है, तो एक बार उनको भी वो भी एक्सप्लोर करवा देते हैं। और भाई जो भी लद्दाख आ रहा है नीमू क्रॉस करके, जो कि कारगिल के रास्ते में एक आलची यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, आलची मॉनेस्ट्री पड़ती है, आलची मॉनेस्ट्री के बाहर जस्ट ये वाली दुकान है, इधर आओ, ये सामने आंटी मिलेंगी और इनका बेटा मिलेगा, ठीक है? तो भाई जो भी आएगा प्लीज़ इधर आओ, डू विजिट देम। अभी आलची मॉनेस्ट्री से थोड़ा सा आगे आके नामगिल की जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी, तो वो भी बाई चांस मुलाकात हुई, और मम्मी यहाँ से चलते चलते जो आपको एक देखो, यहाँ से एक रोड ऐसे जाएगी, आपको काफ़ी सारे वेंडर्स देखेंगे। मैंने आंटी को ज़रूर देखा वहाँ के, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ ये वहाँ जाता था। तो भाई ये दोस्त है नहीं, आंटी बहुत अच्छी बात है। आंटी अपना नाम? संगीता। हाँ जी, तो भाई संगीता आंटी और शरभ के पास आप आओ, यहाँ से जितना सामान है, जो भी आपका सिल्वर है, ब्रास है, ये डेकोरेटिव आइटम पीसेस हैं, सारा लो। चलो अभी यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। तो देखो दैट्स शरभ्स सिस्टर, से हाय। हेलो। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, विंड चाइम्स हैं, और लड़कियों के लिए रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, नेक पीसेस हैं। तो भाई आप इधर आओ और आपको ये तीनों लोग मिलेंगे। एंड आंटी तो अब थोड़ा रिटायरमेंट के बारे में सोच रही है, आई थिंक शरभ इज द वन। छोड़ना है, और
आंटी अगर किसी को कोई बल्क में भी कुछ उठाना चाहता है वो भी मिल जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो अगर आप ये कब तक रहता है, सितंबर एंड, तो सितंबर एंड तक जो मार्केट है वो इधर लगती है। और साथ ही साथ इसके बाद ये लोग जाते हैं गोवा, गोवा में भी कैंडलम बीच है वहाँ पे स्पेसिफिकली। तो भाई मैं एक बार शरफ का नंबर बता देता हूँ, दैट इज 600-65-64773। अगर आपको इंडिविजुअल आइटम्स भी चाहिए वो भी कोरियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ बल्क में चाहिए तो वो भी भाई यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम और वो होलसेल में भी आपको दे देंगे। क्यों मतलब कुड यू इमेजिन मसूरी से निकल के लद्दाख के एक एंड में मसूरी के लोग मिल रहे हैं। अरे यार दिस इज लाइक बहुत सही। और इतने सालों में मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला था, मतलब मेरी ढेर सारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है ना रिवाइव होगी इन लोगों के साथ। एक एक फर्स्ट ड्रिंक शेयर करना, 50 रुपये के पिज्जाज लेना, स्कूटर में घूमना, चेतक में घूमते थे। और फिलहाल यहाँ के काफ़ी सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि यहाँ का जो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और जिसका नाम है ये आलची किचन, तो आप इधर रोके आओ। यहाँ पे कहते हैं जो लोकल कुजीन है वो ट्राई करो, बहुत अच्छी मिलती है। एंड ऑल्सो ये जो रेस्टोरेंट है जाना जाता है अपने इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। तो एक बार आप चल के देखते हैं कैसा। तो भाई जिस मेरे पीछे आलची किचन सुना इतना था, बट डिसअपॉइंटमेंट, सर्विस इज एब्सोल्युटली पुअर बिकॉज इन लोगों के पास ज़्यादा स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। और हमें बैठे बैठे भी आधा घंटा हो गया था, आधे घंटे के बाद कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। वह आप बोलने गए कि भाई ऑर्डर तो ले लो, फिर भी कहती है सर आधा घंटा लगेगा, इल टेक हाफ एन आवर कि कोई आएगा आपको ऑर्डर लेगा फिर बनेगा। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, भूख लगी है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से निकल रहे, मेरे पीछे थी मॉनेस्ट्री आलची किचन, ये मेरी माँ और शी सीम्स टू बी एंजॉयिंग। कैसा लग रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, इन्हीं को खाना नहीं मिल रहा, भूखी रह रही है लद्दाख में। मनन को ज़्यादा भूख लगी, झूठ बोलता है यार भारी। तो भाई शरीर इतना है तो भूख तो लगेगी ना। बट एनी वे चॉइस, जब हम आए थे कोई क्राउड नहीं था, अब जब जा रहे हैं भाई क्राउड देखो कितना सारा है। तो गाइज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आलची गांव, और ये देखो मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, 500-600 में बोल रहा हूँ, बट 500-600 भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 350-400 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन होगी। और यहाँ पे जितने भी लोकल वेंडर्स हैं सारे रिलाई करते हैं टूरिज्म पे। और लद्दाख का जो सीज़न है वो जून में स्टार्ट हो जाता है, मई एंड और जून फर्स्ट वीक में, और जो ये सीज़न चलता है ये चलता है सितंबर तक। तो इस सितंबर के महीने तक इन लोगों का काम चलता है, और सितंबर इज़ द टाइम जब तक आप भी जो लेह लद्दाख है विज़िट कर सकते हो। तो भाई ये वाली रोड है जो ले से आ रही है और यहाँ से सीधा निकलता है श्रीनगर का रास्ता। तो आप यहाँ से देखते हो श्रीनगर है 370 किलोमीटर और जो नुरला है वो सिर्फ 21 किलोमीटर है। और जिस गांव में हम अभी गए थे जो था आलची गांव, इसका बोर्ड सामने लगा है आलची जिम्सखांग, मतलब ये जो जिम्सखांग है बेसिकली ये टेम्पल का नाम है, मंदिर का नाम है। तो उसका रास्ता जाता है यहाँ से नीचे और वो आप करते हो ब्रिज क्रॉस। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ऊपर और चलते हैं बैक टूवर्ड्स ले। तो भाई हम आ रहे थे वापस, और साइड में आपको छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स दिखेंगे, और यहाँ के जो बेसिकली जो लोकल सेब होते हैं वो है बड़ा छोटा सा और बहुत मीठा होता है, और ये खुरमानी है जो जिसको कहते हैं एप्रिकॉट। एक ही में डाल दो ये थैली उसी में डाल। तो भाई देखो वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं थी, बट देन यार छोटे छोटे वेंडर्स हैं, बिल्कुल प्रमोट करो यार, इतनी दूर आप पैसा खर्चा करके आ रहे हो, 100-100 रुपये की बात है, तो यार उनका भी कुछ वो हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दीदी। तो गाइस फाइनली मैनेज टू रीच बैक होम, और आई होप आपको ये जो वीडियो था इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यू डिड प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, खुद भी करो और बाकी से भी कराओ। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में कल, अब शायद हम निकलेंगे कश्मीर के लिए और श्रीनगर तो देखते हैं कि वेदर कंडीशंस कैसे रहते हैं, बिकॉज अभी तो लद्दाख में बढ़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और सुबह निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। मेरी टैनिंग देखो, मतलब इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई, कांट इवन टेल यू, बट देन आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज जर्नी। सो बहुत सारी यादें लेकर जा रहे हैं, लिटरली बहुत सारी यादें, और बहुत सारी यारी दोस्ती भी लेकर जा रहे हैं। सो आई होप कि जो हमारा चक्कर है लद्दाख का बहुत जल्दी लगे, और आई थिंक मतलब जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है तहे दिल से,
शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी थिंग यू डन फॉर अस, एक छोटे चाय से लेके एंड टू द रॉयल्टीज दैट वी यू नो हैड हियर. सो थैंक यू. सो मिलते हैं एंड आई होप ये जो लद्दाख सीरीज आप उतनी इंजॉय कर रहे हो जितनी मैं कर रहा हूँ. तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.